सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जीवन एक सुखद यात्रा है यदि आप इस यात्रा के हर पल का आनंद लेना जानते हैं। सकारात्मकता की माटी में पनपने वाला पौधा ही एक दिन विशाल वट वृक्ष बनता है। आत्मनिर्भरता का नेतृत्व करता है। कर्मों को प्राथमिकता देने वाले हर नर का जग में साकार होता है। आज का पंचांग 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 5:31 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 6:38 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:41 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:38 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को नवरात्रि की दूसरे दिन की शुभकामनाएं। आप सभी पर मां ब्रह्मचारिणी की कृपा बनी रही। कुंभ राशि 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। आज के दिन ग्रहों की स्थिति के कारण उलझन में डालने वाला रहेगा। आप किसी परेशान करने वाली समस्या के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, लेकिन केवल सोचते रहने से कुछ समाधान हाथ नहीं लगेगा। आप जैसा सोच रहे थे आज आपको उससे विपरीत सूचनाएं मिलेगी। अपने पहले से सोचे हुए में बदलाव करना पड़ेगा। उन परिस्थितियों के लिए खुद को दोष ना दें जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बजाय खुद का सोचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान सावधान रहें। आप अपनी दैनिक जीवन से फुर्सत के कुछ पल निकालना चाहेंगे। काम और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करें। दैनिक दिनचर्या की उदासीन भावना को दूर करने के लिए प्रयास करें। उदासी से बचने के लिए अपने पसंद के कार्य करें। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। आज लंबे समय के बाद अपनी दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। आज आप अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे और कुछ पैसे खुद पर खर्च करेंगे। आप अपनी जरूरत के लिए नए कपड़े, एक मोबाइल या एक घड़ी आदि की खरीदारी कर सकते हैं। आज आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में आज किसी से विवाद हो रहा है तो आपको अपने वाणी में सौम्यता बनाए रखनी होगी जिससे आपको सम्मान मिलेगा। परिवार में अगर कोई तनाव चल रहा है तो वह आज खत्म हो जाएगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपने भविष्य को लेकर जमीन जायदाद आदि में निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। साथी के लिए आप कोई सरप्राइज गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा जिससे वह अपने आसपास रह रहे लोगों को पहचान सके। आपकी तरक्की के राह में आ रही बाधाएं दूर होगी। विद्यार्थियों को किसी नई प्रतियोगिता की तैयारी के लिए मेहनत अधिक करनी होगी। आज कोई विषम परिस्थिति बनेगी लेकिन आप अपनी योग्यता से उनका समाधान भी ढूंढ लेंगे। अपनी किसी खास योजना को भी साकार करने का अनुकूल समय है। कोई पारिवारिक मामला हल हो सकता है। बच्चों की तरफ से भी कोई सुखद समाचार मिलेगा। अपनी अपेक्षाओं का दबाव बढ़ेगा, इस कारण नकारात्मक विचारों का प्रभाव जीवन पर बढ़ेगा। पुरानी बातों से अधिक वर्तमान की बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें। समस्याओं को सुलझाने में आप सफल साबित होंगे। जरूरी प्रयत्न जारी रखें। किसी भी व्यक्ति से सहयोग प्राप्त नहीं होगा इसलिए किसी से अपेक्षा न रखें। नए व्यापार की शुरुआत करते समय जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे उनके निष्ठा को परखने की कोशिश करें। रिलेशनशिप में हुए विवाद के कारण को समझने की कोशिश करें। सावधानियां, वर्तमान में लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत की भी जरूरत है। कानूनी नियमों का उल्लंघन ना करें वरना कार्यवाही की चपेट में आ सकते हैं। लेन देन संबंधित गतिविधियों को करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें। पड़ोसियों के साथ सोसाइटी संबंधित गतिविधि को लेकर वाद विवाद होने की आशंका है। बात करते हैं लव लाइफ की। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई
शुभ समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें। अगर आप किसी रोचक और खुश मिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उसी नीरज स्तर पर पहुंच जाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदल ले तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। यह दिन मनोरंजन से भरपूर है, जहां आप खुलकर जीना चाहते हैं। घरेलू कामों में आपका ध्यान अधिक होगा, लेकिन इस दौरान अपने पार्टनर को भी याद रखें। उसके लिए खाना बनाएं या कोई रोमांटिक गाना गाएं। आपका हर सपना पूरा होगा, बस थोड़ी मेहनत करें। आज खुद को खुश रखने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि व्यस्तता के कारण आपका उत्साह कम हो सकता है। खुद और अपने पार्टनर के लिए दिन को खुशनुमा बनाएं, इससे आपका रोमांटिक रिश्ता और भी अनोखा बनेगा। किसी के प्रति आकर्षित हैं तो अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए आज का समय सबसे शुभ है। बात करते हैं करियर की। किसी से विवाद आपको परेशान करेगा, लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। जोर की दिनचर्या आपको बोर कर रही है, रोज की दिनचर्या आपको बोर कर रही है। कुछ समय निकालकर अपनी पसंद के कार्य करें। अपने कार्यस्थल पर आपको हमेशा की तरह ही प्रशंसा मिलेगी और तरक्की की भी संभावना है। यह दिन आपके लिए निराशाजनक सिद्ध हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें। याद रखें कि कल्पनाओं के बिना हम संभावनाओं के उत्साह को खो सकते हैं। आपका करियर आपकी योजना के अनुसार नहीं जा रहा है और आप समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। नए सिरे से इसे शुरू करना सबसे अच्छा उपाय है। सबसे पहले आप अपना बायोडाटा ढंग से तैयार करें और इसे सबसे अधिक प्रासंगिक व्यक्ति को दें, जो कि आपने अभी तक नहीं किया है। इस समय आपको अपने करियर को नियंत्रण में लेने की जरूरत है, बजाय की यादृच्छिक घटनाएं आप पर हावी हो। मौजूदा बिजनेस के अधूरे काम पूरे होंगे, साथ ही किसी नए काम की योजना क्रियान्वित भी हो सकती है। अभी ज्यादा फायदे की उम्मीद न रखें। युवाओं को करियर से संबंधित समाचार मिलेगा। नौकरी में साथी आपके खिलाफ गलतफहमी पैदा कर सकता है, ध्यान रखें। धन को लेकर कुछ कठिनाई आ सकती है, कार्य में बाधा होगी और मनचाहे कार्य नहीं हो पाएंगे। योजनाएं विफल हो सकती है। वैभव बना रहेगा, दोपहर से धन की कमी दूर होगी। कार्यों में तेजी आएगी और अटके कार्य पूर्ण होंगे। दिखावे पर व्यय करने की प्रवृत्ति रह सकती है, अटके कार्य करने में सफल होंगे। शाम को धार्मिक आयोजन में जाने का योग बनेगा। बात करते हैं सेहत की। इस समय आप अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यह अच्छा विचार है। योग और दौड़ भाग की नियमित प्रैक्टिस के अलावा आप दूसरी शारीरिक एक्सरसाइजें भी जारी रखें। हालांकि अगर आपके शरीर का कोई हिस्सा कमजोर है तो थोड़ा संभल कर योजना बनाएं। जो हिस्सा आपका कमजोर है उसी वाले हाथ से वजन उठाने की प्रैक्टिस करें। आज का उपाय। आज आप माता रानी के चरणों पर लाल फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।